नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और बचाव सलाहकार। दोस्तों, तुमने देखा होगा कि मैं राजनीति के ऊपर हमेशा बात करता रहता हूँ। आज मैं एक मुद्दे बात करने वाला हूँ जो डायरेक्टली राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसका हमेशा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं जो देश की न्यायिक व्यवस्था है, इस पर। हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ केस इसमें पेंडिंग हैं। जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है, उसे हम दो भागों में डिवाइड करें तो उसे कह सकते हैं, एक होती है सुपीरियर न्यायपालिका, एक होती है सबॉर्डिनेट न्यायपालिका। सुपीरियर न्यायपालिका में हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, और सबॉर्डिनेट न्यायपालिका में जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जो न्यायपालिका है वो आती है। DM वगैरह भी, चूँकि वो भी केस की हियरिंग करते हैं, SDM भी करते हैं, तो इनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं। हमारे देश की आबादी लगभग 138 करोड़ है। इसके सापेक्ष में देश में 17,615 जज हैं। वही अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर 10 लाख की आबादी में 107 जज हैं। कनाडा इससे भी आगे है, वहाँ पर 10 लाख की आबादी पर 75 जज हैं। हमारे देश में जो आबादी है 10 लाख की आबादी, उस पर मात्र 10 जज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कितनी लचर है। जस्टिस मार्कंडेय काट जो थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इनका एक बयान आया था कि देश की जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था है, यदि उसमें एक भी नए केस ना जुड़ें तो अभी जितने केस वर्तमान में पेंडिंग हैं 4.5 करोड़, उसको सॉल्व होने में ही 360 साल लग जाएंगे। 360 साल मतलब हमारी जो आने वाली 5 पीढ़ियां हैं ना, उनके सामने तक इन केसों की हियरिंग चलती रहेगी। आप सबने देखा होगा, देश में बहुत एक हाईलाइट केस हुआ था, निर्भया केस। जो आरोपी थे उनको हम आप सब बच्चे जानते थे उनके आरोपी कौन हैं, लेकिन फिर भी उसका फैसला आने में 8 साल लग गए। तो ये तो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया में, जनता के बीच में इस पर चर्चा होती रहती है कि जो केस का फैसला ये लेट आता है। आपने सबने सुना होगा, एक स्टेटमेंट आया है जो दिया है, अक्सर लोग यूज करते हैं, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। मतलब यदि आप न्याय देने में अगर देरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप न्याय ही नहीं दे रहे हैं। सरकार को इसमें सुधार लाना चाहिए, जो लोग उनको न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जजों की भर्ती करनी चाहिए, नए नए जज को रिक्रूट करना चाहिए। अमेरिका में जो 10 लाख पे 107 जज हैं, कनाडा में 75 जज हैं 10 लाख की आबादी पर, हम अगर इतना ना भी कर सके तो कम से कम ये तो करना चाहिए ना कि 10 लाख की आबादी में कम से कम 500 जज तो हों। अभी हमारे पास सिर्फ 10 जज हैं। मतलब 500 से मतलब 50 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, कुछ तो जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए आपको ना। आपके यहाँ जिस हिसाब से केस पेंडिंग है, उसके हिसाब से अमेरिका कनाडा को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा पर सब व्यक्तियों के मुकाबले, नहीं तो आपके पास केस सॉल्व होंगे ही नहीं। लोग केस डाल देंगे, केस की हियरिंग होगी, लोग जाएंगे, वकील पैसा खाएंगे, सब कुछ होगा। दूसरे देश में कहा जाता है कि ना कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर आप जिस व्यक्ति ने केस किया आप यदि उसे पूछने जाएंगे, वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। न्याय भी जो ना वो देख के मिलता है कि किसको न्याय कब देना है कब नहीं देना है। तो लोग इस पर हमेशा क्वेश्चन उठाते रहे हैं कि कई केसों में हियरिंग तुरंत हो जाती है, कई केसों में हमने देखा कि रात में कोर्ट तक खुल गए हैं, कई केसों में सुनवाई होती है, डेट होती है, फिर भी सुनवाई वहाँ पर नहीं होती है, मालूम चला कि डेट आगे निकल गई है, आज हड़ताल हो गई, कुछ हो गया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, कुछ वर्षों तक केस को ये भी आके खिसका देते हैं। सरकार को इसमें सुधार लाना चाहिए, जज उसकी भर्ती करे, जो सीनियर जज हैं, जो तेजी केस को सॉल्व रखने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जजों का कार्यकाल भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्या जरूरी इनको कि 62 साल में रिटायर कर दीजिए? अगर वो उनके हेल्थ ठीक है, उनके साथ कोई समस्या नहीं, तो 65 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सरकार को ऑप्शन देना चाहिए। प्लस दूसरे सीनियर वकील्स हैं, उनको भी सरकार जज बनाती रही है, ऐसा कॉलेजियम में प्रस्ताव है, सरकार में नियम बना हुआ है, कॉलेजियम के थ्रू भी ऐसे जजों की नियुक्ति होती रही है, इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, देश में जज कम है लेकिन वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, देश में वकील भरे पड़े हैं। मैं एक बार वकील से मिला था, उन्होंने कहा कि
जो जज जितने यहाँ पर वकील आते हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 95% तो वकील ऐसे हैं जिनकी दाल रोटी नहीं निकलती है वकालत से। उन्होंने कहा कि एक इसमें से वकील तो मैं भी हूँ। उन्होंने कहा कि 2% ऐसे जज हैं जिनको काफ़ी केसेस आते हैं, काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। बोला 3% ऐसा है कि जिनका मतलब एवरेज है, न ज़्यादा कमाना न ज़्यादा खाना, बस उनका रोज़े खर्चे निकलते हैं। तो जैसे जज जिनको जानकारी है, जिनको नॉलेज है, ऐसे जज को सॉरी ऐसे वकीलों को जज बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को मुझे तो लगता है कि ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे केसों की हियरिंग फास्ट हो। जैसे मेरा सुझाव है कि सरकार चाहे तो नियम बना सकती है कि कोई भी केस की हियरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पूरी करनी पड़ेगी, या किसी भी केस की सुनवाई सिर्फ 5 बार हो। 5 बार में आप रूल बनाइए कि जज को फैसला देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष फैसला चाहे विपक्ष के फैसले में आए। जो भी तर्कसंगत है, न्याय संगत है, उस पर सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, और कोर्ट्स पर संज्ञान लेकर के सरकार कानून बनाए और कोर्ट्स पर संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे। देखिए, अगर आप फैसला नहीं देंगे, एक व्यक्ति केस करता है, वो लड़ता है, फिर वो ख़त्म मर जाता है, फिर उसका बेटा केस लड़ता है, ऐसा ना हो सिचुएशन आ जाए कि कल को पोता केस लड़ रहा हो, उसके दादा ने केस किया, मान चले कि आज केस पोता लड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से हमें बचना चाहिए। जस्टिस जो मार्कंडेय काटजू का जो बयान था कि वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से 360 साल तक केस चलते रहेंगे, अगर नए केस नहीं आएंगे तो, ये बहुत बड़ा बयान है। इस पर जजेस को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, सबको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमने देखा है कि लगभग हर साल 2.8% जो केसेस हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती है। 2019 में 3.3 करोड़ केस पेंडिंग थे, 2021 के डाटा के अनुसार इनकी संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई थी। अभी मेरे पास आज 2022 का आंकड़ा नहीं है, हो सकता है कि संख्या 4.25 करोड़ के पास जाकर के पहुंच गई हो। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्दी संज्ञान ले, इस पर कानून बनाए, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और देर हो गई तो मतलब आप न्याय ही नहीं दे रहे हैं। आज दोस्तों मैं सोचा था कि आज एक हट के वीडियो बनाया जाए, उसमें मैंने आपका डाटा इकट्ठा किया, मैंने वीडियो बनाया, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।